दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह जीरो होता है। जबकि ऑर्डिनरी वाटर की बात करूं मैं तो 21 डिग्री होता है। वाटर का कॉन्टैक्ट एंगल का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल विद ग्लास ट्यूब, नो कि ना कि सिर्फ वाटर। मरकरी के केस में 132 डिग्री, ये 130 से 140 तक होता है, वेरी करता रहता है। किसी बुक में आपको 132 मिलेगा, किसी में 134 140 तक मिल जाएगा, बट जनरली यही होता है, राइट। सो ये कॉन्टैक्ट एंगल है, ये आपको पता होना चाहिए, इसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा दो और पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, इसे नोट कर लें। सो पहला क्या है जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ वो याद रखना, ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे सपोज मान लो ये वाटर का ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। इसके टेंजेंट में अगर मैं टेंजेंट इसका ड्रॉ करूँ, ठीक है, सरफेस के कंपैरिजन में, इसका टेंजेंट कैसे होगा? एक ऐसे चल जाएगा, राइट। सो ये जो होता है थीटा, ये आपको बताएगा कि कोहेशन ज़्यादा है या कम है। ये किस केस में होता है? ये नॉन वेटिंग लिक्विड के केस में होता है। सो इस केस में थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, डैट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है, ओके। और सेकंड केस ले लें हम लोग, तो अगर वाटर का ड्रॉपलेट्स मेरा ऐसे होगा, राइट, तो क्या होगा? टेंजेंट ऐसे बनेगा, मीन्स थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री है, अक्यूट एंगल है। इस ये क्या बताता है आपको कि एडहेशन ज़्यादा है। एडहेशन मतलब कैसे पता चलेगा आपको? वाटर जगह जगह से फैला हुआ है, जो लिक्विड है हमारा जगह जगह से फैला हुआ है, ये देखो, और ये जल्दी चिपक जाएगा। एडहेशन ज़्यादा है, अगर एडहेशन ज़्यादा होगा तभी जो रेन होगा, ठीक है, या वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, वो बॉडी पे या फिर किसी भी मटेरियल पे, किसी भी नायलॉन पे चिपकेगा, अदरवाइज नहीं चिपकेगा। डैट मीन्स क्या है, आपका वाटर ज़्यादा होना चाहिए, एडहेशन ज़्यादा होगा, और ये किस केस के लिए है? वेटिंग लिक्विड के केस के लिए, राइट। डैट मीन्स वेट, गीला,